So many artists here, and seeing the quality of art, it says that when art in a city thrives, the city is alive. I think this is one sign of Bombay being alive and thriving. Very good. Please come in. Okay. Mr. Ajay Nautriya, director of All Street Group, unfortunately is not with us today because he couldn't make it to the show due to some urgent work. So, Shefali, nevertheless, excuse me, I'd like to take a picture if you don't mind. On behalf of many artists and all of you. Could you go forward? I am a background person. So you should do it, you take a picture. No, my daughter is doing it, it's more than me.
together. Yes, come on. Mona, can you come and take a picture of it? Arey, yaar, I am nobody. No. देखिए बहुत सारे अलग अलग कलाकार हैं हमारे साथ में. ट्राइबल आर्ट है, स्कल्पटर्स हैं जो बहुत सेरेमिक्स वाले हैं. अलग अलग प्रकार से वो लोग सेरेमिक्स के काम कर रहे हैं. इस बार हम लोगों ने सेरेमिक्स को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की है, क्योंकि वो एक सेक्शन है जिसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, या इट्स नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द आर्ट फैकल्टी. तो हम लोग चाहते हैं कि उसको भी प्रमोट करें. तो इस बार हमारे पास एक नया बंच आया है बहुत अच्छे इनोवेटिव आर्टिस्ट का, जो सब सेरेमिक्स में अपनी कलाकृतियाँ बनाते हैं. उसमें सुल्ताना खान, वीना सिंह और सेजल सेठी जैसे बहुत सारे कलाकार हैं. और वैसे हमारे रेगुलर जो हमारे स्कल्पटर्स हैं बहुत टैलेंटेड हैं, उसमें तो कोई शक ही नहीं है. रतन साहा जी हैं, सचिन चौधरी जी हैं, आर्टिस्ट इतने सारे हैं. पराग बोरसे जी हैं, अर्चना ठाकुर जी हैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं. विजय गिले जी हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं. इनके काम हर किस्म से अलग अलग हैं, तो कोई कंपैरिजन नहीं है. प्रमोद कुल्लेकर जी हैं, वो ऑयल में काम करते हैं. तो इतनी लंबी लिस्ट है. अतुल भालेराव जी हैं, एब्स्ट्रैक्ट में काम करते हैं. तो कोई काम दूसरे काम से मिलता जुलता नहीं है. तो हंसा जेसानी जी हैं जो यहाँ पर इन्होंने पीछे डिस्प्ले करा हुआ. ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं. फिर अर्चना का नाम दिखा सकें, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बॉम्बे जैसे शहर के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों को चित्रकला की कदर है. तो ये बहुत ही सही शहर है इस काम के लिए. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन. बहुत इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन है. बहुत कलरफुल पेंटिंग में, स्कल्पचर में, सिरेमिक में. वो देखकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि क्या होता है कोई बार स्कूल ऑफ आर्ट में से हम निकलते हैं और शो करना चाहते हैं, हमेशा 100% शो नहीं हो सकता है. तो आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते शो कर जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस मिलता है, ऑडियंस भी मिलता है, और आप इनके फेवरेट हो जाते हैं, वो लोग आपके फेवरेट हो जाते हैं बायर्स तरीके. तो इट्स यू हैव टू प्रमोट द यूथ, बिकॉज when we started the gallery almost 47 years ago, the artists who started with us were the same age as we were. And because we all started life together, they were given a platform. Now they've gone ahead, they've become very established artists, they've become internationally renowned. So we have those artists with us also, but we also try to cultivate and develop younger artists from all over India. And we visit the art schools, we interact with the artists, we go to all their exhibitions. And it's like a pyramid. Okay, so what is the message towards the youth related to the art development? I think it's a tough profession to be in, like any other profession. Thank you so much. Sir, is exhibition ki shuruaat aapke haathon dwara ki gayi? Aapne is exhibition ki shuruaat ki, kai sari kalakriti yahan, kai sari paintings yahan maujood hain. Kaisa mehsoos kar rahe hain, kya kehna chahenge isme exhibition ke bare mein? Jo kala main yahan dekh raha hu, ये एग्ज़िबिशन में जो आर्टिस्ट जो मैं देख रहा हूँ कि ये कला ज़िंदा है और ये हमारा समाज ज़िंदा है. और यही है कि जहाँ भी कला और कॉमर्स जो भी साथ में है, इस पूरे एग्ज़िबिशन के ऑर्गेनाइजर जो हैं, जिन्होंने इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बेड़ा उठाया है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो क्या है कि कई सालों से ये करते आ रहे हैं, वो उनका जो डेडिकेशन है, उनकी जो लगन है, उसकी तो मैं दाद ही दूंगा. यही लोग जो है हमारी समाज और हमारी कला को जो है ऊपर लाते हैं और सपोर्ट करते रहते हैं. थैंक यू. दैट्स ओके. Motivates me. I like good work to be displayed. I want people to see good work. You know, so that is the motivation. Like you see good work, you can't resist it. You want to put it up. You want to show the world what kind of creativity people have, you know. So it should not be kept inside homes.
behind in drawing rooms, you know, confined to somebody's house or a limited space. Yahan pe itne log dekhte, lots of people see the work and the painter gets exposure. And you know what happens once the painter gets exposure second time, he understands, you know, that, you know, this is the improvement that he has to do, and he comes up with better work, which each exhibition the artist improves. So that's also a big advantage that the artist has when he puts up a work at the exhibition. So let's ask this way, what is the motto and vision of the organization in this exhibition? Motto is to promote good art, basically, nothing more than that, because that's what all art is. So, you know, this is encouraging them to buy art which is probably not, let's say, which is not a big name, but which is good. So for them to understand what good art is, they have to come to an exhibition again and again to see different exhibitions. Unless you see more and more work, how will you understand what is good and what is bad and make comparisons? Once you're aware of that, then you keep on, your understanding of art also improves. So in this way, the society also understands a good, they start having a good aesthetic sense about art, which is very required in our society. Seriously, it is something which should be taken very seriously. Artists work very diligently. They work with a lot of with a lot of dedication, hard work, just like anybody else, just like an actor. So of course it's a process, but once they are mature and they do good work, they get the benefits, of course. So if a painting is selling for 10, 5 years down the line, the same work will be selling for 20, 50, so on and so forth. So basically, art is something which should be invested in, even by parents. Very importantly, they'll understand the importance of good art. Thank you so much. Jahan tak baat ki jaye, is exhibition mein aapki kai sari paintings lagayi gayi hain, jis paintings ki kai sari matlab hai. Kaisa mehsoos kar rahe hain is exhibition mein aakar apni paintings ko yahan logon ke liye rakhne? Actually, first of all, ye painting and sculpture. Painting, sculpture, ceramics, सब मिला के ये एग्जीबिशन है. तो मेरा इसमें कुछ स्कल्पचर है. टोटल एग्जीबिशन बहुत अच्छा है, डिस्प्ले भी बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा अच्छा आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट हो. हाँ, तो अच्छा वर्क किया है सबने, तो अच्छा एग्जीबिशन है.